मेमो, स्मृति पत्र, रिटेन प्रपोजल और रिमाइंडर, एक लिखित प्रस्ताव या अनुस्मारक। आइए इस वीडियो में आज समझते हैं मेमो का हिंदी अर्थ, हिंदी मतलब। मेमो का मतलब क्या होता है? किसी भी उद्योग में, किसी भी व्यवसाय में नगद लेन देन के लिए एक विशिष्ट कैश मेमो का उपयोग मूल नगद रसीद के रूप में किया जाता है। इसमें सभी प्रासंगिक जानकारी शामिल है, जैसे कि आइटम, देय राशि, कर आदि। यह लेन देन में दोनों पक्षों के लिए सबूत के रूप में कार्य करता है। मेमो के हिंदी अर्थ होते हैं, हिंदी मतलब होता है नोट, ज्ञापन, मेमो, पत्रक, स्मृति पत्र, स्मरण लेख। ये शब्द है जो अभी आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, ये मेमो के हिंदी अर्थ, हिंदी मतलब है। यहाँ मेमो की परिभाषा है, ए मेमो इज ए शॉर्ट ऑफिशियल नोट दैट इज सेंट बाय वन पर्सन टू अनदर विदाउट द सम कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। मेमो एक संक्षिप्त आधिकारिक नोट है जो एक ही कंपनी या संगठन के भीतर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को भेजा जाता है। यहाँ है मेमो के समानार्थक शब्द, जो अभी आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, मेमोरेंडा, मेमोरेंडम, नोट, मैसेज, ज्ञापन, नोट, पत्रक, मेमो, सहमति पत्र, सहमति पत्र। ये सब है जो मेमो के समानार्थक शब्द है। यहाँ मेमो का उदाहरण वाक्य ही, आस्क दैट आई राइट हिम ए मेमो ऑन इट, उन्होंने मुझे इस पर एक मेमो लिखने के लिए कहा। डिड यू गेट द मेमो अबाउट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर, क्या आपको प्रशासन से ज्ञापन मिला? ये था मेमो के बारे में कुछ जानकारी। जो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको पूरी समझ में आ चुकी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।